आयुर्वेदिक जिलाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा, हमारी तैयारियां पूर्ण रूप से बनी हुई है, हमारे पास ऑक्सीजन बेड स्वास्थ्य सामग्री भारी मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा, आज हमें सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है, जनता से सहयोग मांगा। कहा, प्रशासन स्वास्थ्य विभाग का साथ दे, सामाजिक दूरियां बनाकर रखे, समय समय पर हाथ धोए और घर से बाहर तभी निकले तब जरूरत हो, घर पर रहे और ख्यालात रखे, प्रशासन स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करे। सर बताइए, डॉक्टर सर देवेंद्र शर्मा जी ये बताइए सर, क्या तैयारियां चल रही है सर COVID-19 को लेकर? सर देश के अंदर बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, लोगों के अंदर सुविधा है जो चीज़ जनरल रूप से नहीं मिलने लग रही है, जैसे बेड है, ICU, ऑक्सीजन वगैरह है, तो सर आपकी तरफ से क्या तैयारियां चल रही है सर? हमारी तरफ से ये है भाईजान कि एक तो हमारे डॉक्टर पूरा पैरामेडिकल स्टाफ पूरी ड्यूटी दे रहा है, आइसोलेशन वार्ड में भी, खुले कॉर्नर में भी, और जहाँ भी ड्यूटी लगाते हैं DC सर या प्रशासनिक अधिकारी, तो वहाँ पूरा हम जोर शोर से काम करते हैं। सर ये भी कहा जा रहा है सर ऑक्सीजन नहीं है कुछ हॉस्पिटलों में, कुछ दिक्कतें भी हो रही है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, तो सर ये क्या है, क्या प्रशासन की किसी प्रकार की कोई तैयारियाँ नहीं है? मैंने मेरे यहाँ 100 बेड मैंने दिए इनको, एलोपैथ वालों को, ठीक है जी, और मेरे ख्याल में ऑक्सीजन की बेड की शायद कमी नहीं है, और इसके बारे में सर देंगे। सर कोरोना के जो जिस प्रकार के केस लगातार लॉकडाउन में भी आने लग रहे हैं, तो सर वो डराने वाले के आंकड़े नहीं है? देखो डराने वाले तो स्वाभाविक हैं, ये आंकड़े डराते तो हैं, फिर भी बात क्या है कि अगर थोड़ा संयम रखे, घर में रहे, सुरक्षित रहे, तो ये नहीं हो इतना नहीं फैलेगा, स्प्रेड नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी 2 गज की दूरी भी आवश्यक है, मास्क वगैरह प्रयोग करना चाहिए, घर से बाहर तभी निकले जब किसी जरूरी हो तभी। सर क्या टीम वगैरह है, जिस प्रकार से लग रहा है गांव में कुछ जगह भी कोरोना के केस लगातार चले आ रहे हैं, तो सर क्या आगे लॉकडाउन करना उचित है या फिर सर ये 7 दिन तक लॉकडाउन? देखो एक बात का तो ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे DG सर के भी आदेश आते हैं दूसरे तीसरे दिन, और गांव में है जिस तरह हमारी डिस्पेंसरीज है, वहाँ डॉक्टर की पूरा स्टाफ की ड्यूटी लगा रखी है, उन्होंने जो भी है अवेलेबल है उनकी ड्यूटी लगा रखी है, वही कम से लोगों को जागृत करो उसके बारे में। तो सर पर्याप्त सामग्री है जिस लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए? ऐसा है जी, 2,55,000 कार्ड आई थी मेरे पास पहले, जी जी वो मैंने बांट दिए, अब 10 लाख की और डिमांड कर रखी है, वो आते ही मैं सारे बंटवा। सर 2 डे या 3 डे पहले ही मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री आए थे मनोहर लाल खट्टर जी, उनसे वो क्या यहाँ की सुविधाएं दे के गए हैं क्या लोगों को? देखो प्रशासनिक इतने बड़े आदमी आते हैं तो वो एक टाई अप करते हैं, उन्होंने गाइडलाइन दी है भाई ये करना है, उनके अनुसार काम चल रहा है। ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ा के गए हैं, ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ा के गए। चलो सर और कोई लास्ट आपकी तरफ से कोई एक सवाल कोई सर आप भी बताइए सर। भाई इसमें तो ये है, कोरोना में पौष्टिक आहार खाएं, सुबह योगा या प्राणायाम करें, और स्वस्थ रहें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क वगैरह। ये 2 वाला कह रहे सर कहीं कहीं कह रहे बन के तो नहीं उभर रखेगा सर आपको? ना ऐसा कुछ नहीं, अगर इसके प्रिकॉशन ले जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह तैयार है, प्रशासन पूरा रूप से सचेत है। हाँ जी, और आप इस चीज़ को लेकर पूर्ण रूप से अलर्ट है। हाँ जी, चलो सर धन्यवाद सर, थैंक यू, शुक्रिया सर।